हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल में आपका दोस्त और चैनल का होस्ट रान। दोस्तों फाइनली गेमिंग न्यूज #43 आपके लिए आ गया है और इस वीडियो के अंदर तो देखो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तो हर एक गेम के मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टाइम के ऊपर कौन कौन से गेम्स आपको देखने के लिए मिलने वाले, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा कमाल होने वाला वीडियो आज का, पूरा एंड तक एकदम ध्यान से देखते रहना, जल्दी से कर दो लाइक शेयर कमेंट्स। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग में तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो अभी के भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर दोस्तों आपके लिए मैं सारे के सारे एंड्रॉइड और पीसी गेमिंग के वीडियोस एकदम जल्दी लेकर के आ जाता हूँ। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो गारंटी देता हूँ यार फायदे में जरूर से रहोगे। तो चलिए गाइस अब शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो जो कि गेमिंग न्यूज 43 है। तो आप लोग वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको मैं कम्युनिटी पोल दिखाता हूँ। आप लोगों से मैंने पूछा था कि भाई कौन से मंथ के अंदर सबसे ज़्यादा गेम्स रिलीज किए जाते हैं मोबाइल डिवाइसेस के लिए, तो आप लोग रिजल्ट देख सकते हो। यहाँ पे मार्च के ऊपर सबसे ज़्यादा वोट लोगों ने किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? वो यार GTA ट्रायलॉजी मोबाइल की वजह से किया हुआ है, मेरे को मालूम है कि नहीं। तो इसी वजह से यार देखो ये जो आंसर है ना पूरी तरह से मैं आपको बता दूँ कि गलत है। आप लोगों ने जो वोट किया है वो पूरी तरह से गलत है। मार्च में और ईयर के फर्स्ट हाफ के अंदर कोई भी ज़्यादा करके गेम्स रिलीज नहीं किए जाते। इक्का दुक्का गेम या तो फिर ज़्यादा ज़्यादा 3 या 4 गेम आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। मोस्टली होता क्या है यहाँ पे, किसी भी डेवलपर्स की तरफ से जो है ना गेम्स सेकेंड हाफ ऑफ ईयर के बाद ही रिलीज यहाँ पे किए जाते हैं। दोस्तों जुलाई से आप लोगों ने देखा होगा 2022 के अंदर भी सेम सिनेरियो हुआ था, बहुत सारे गेम्स आपको जुलाई में मिले, फिर अगस्त में भी आए, सितंबर के अंदर भी अनाउंसमेंट हुए, अक्टूबर में भी आपको गेम देखने के लिए मिला और नवंबर के अंदर यूबीसॉफ्ट वगैरह के भी काफ़ी सारे गेम्स दिसंबर तक के आपको देखने के लिए मिले। तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा जो है दोस्तों गेम्स सेकेंड हाफ के बाद में रिलीज़ यहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है। तो एक तो चीज़ आपको आज के इस वीडियो के अंदर पता चल गई कि हाँ सेकेंड हाफ के बाद ही यहाँ पे मोबाइल के लिए गेम्स ज़्यादा रिलीज़ किए जाते हैं, फर्स्ट हाफ में इतने गेम नहीं आते, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ मैं कि जो 2023 अभी ये चल रहा है तो ये गेमिंग ईयर होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है मोबाइल के लिए, क्योंकि देखो पीसी कंसोल्स के लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उनके लिए तो होने ही वाला है गेमिंग ईयर। लेकिन मोबाइल का सेम सिनेरियो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि होने वाला है एज़ कम्पेयर टू पीसी कंसोल्स, ठीक है। मतलब कि मोबाइल के अंदर भी आपको बहुत सारे गेम्स देखने के लिए मिलने वाला है, जैसे यूबीसॉफ्ट की तरफ से 3 गेम्स, रियॉट गेम्स की तरफ से वैलोरेंट मोबाइल मिलने वाला है, NFS मोबाइल मिलने वाला है, रेसिंग मास्टर अपना का रियल रेसिंग नेक्स्ट है, कार एक्सट्रीट एंड्रॉयड है और अपना कॉड वॉरजोन मोबाइल गेम है, और भी बहुत सारे गेम्स आपको मिलने वाले हैं। और यूबीसॉफ्ट की तरफ से ही 3-3 गेम्स आने वाले हैं जिसका नाम है यहाँ पे रेनबो सिक्स मोबाइल, डिविजन मोबाइल, और सबसे बेहतरीन जो गेम आने वाला है वो तो है भाई Assassin's Creed का न्यू वर्जन जिसका नाम है कोड नेम जेड, है कि नहीं। तो वो ये सारे के सारे गेम्स आपको इस साल में देखने के लिए मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि जो GTA ट्रायलॉजी मोबाइल है वो आने वाला है। तो यार इतना बड़ा ओपन वर्ल्ड गेम आपको मिल रहा है मोबाइल के अंदर, तो फिर गेमिंग ईयर तो ये होगा या नहीं होगा इसमें सवाल पैदा होता ही नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया इस वीडियो के अंदर कि 2023 1000% गेमिंग ईयर होने वाला है, ओके। अच्छा अब आपको बताता हूँ मैं कि कौन कौन से टाइम के ऊपर कौन कौन से गेम्स आपको मोबाइल में देखने के लिए मिलने वाले। तो देखो दोस्तों मैं आपको क्लियर बता दूँ यहाँ पे कि जनवरी और फरवरी ये 2 महीनों के अंदर आपको एक भी गेम ग्लोबल वर्जन में मिलने वाला नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। बीटा वर्जन्स में छोटे मोटे गेम्स के आपको देखने के लिए मिल जाएंगे लेकिन ग्लोबल वर्जन नहीं आएगा। मार्च के अंदर GTA ट्रायलॉजी मोबाइल रिलीज होने वाला है, तो मार्च के अंदर आपको वो एक गेम जो है वो मोबाइल के अंदर खेलने के लिए मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पे ऐसा भी होने वाला है कि भाई वैलोरेंट मोबाइल का भी बीटा वर्जन आपको मिल सकता है और कॉल ऑफ ड्यूटी जो है उसका वॉरजोन मोबाइल वर्जन जो है वो आपको ग्लोबल वर्जन में देखने के लिए मिल सकता है। ज़्यादा करके उसके चांसेस मई तक के हैं लेकिन मार्च के अंदर भी उसके चांसेस है, इस पर से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और रेसिंग मास्टर का भी जो बीटा वर्जन है वो भी आपको मिलने वाला है, वो सॉफ्ट लॉन्च में आपको देखने के लिए मिलेगा मार्च तक के, तो ये गेम भी काफ़ी बेहतरीन है जो कि आपको मिलने वाला। और कार एक्सट्रीट की अगर मैं बात करूँ वो भी मिलने वाला, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पे मई 2023 के अंदर, तो उसके अंदर आपको ग्लोबल वर्जन ज़्यादा करके मिलने वाले हैं। किसके मिलने वाले हैं? रेसिंग मास्टर का मिल सकता है और अपना जो है वो कॉड वॉरजोन का तो मिलने वाला है, और साथ ही साथ यहाँ पे कार एक्सट्रीट की भी चांसेस है बने हुए। इसी के साथ साथ रेनबो सिक्स मोबाइल का भी ग्लोबल वर्जन आपको देखने के लिए उस टाइम के ऊपर मिलने वाला है। और ये मोस्टली जो काम होने वाला है ये मई से लेकर के जून के बीच में होंगे, तो ये सारे के सारे जो 2-3 गेम्स हैं इनके ग्लोबल वर्जन आपको मई से लेकर जून तक के देखने के लिए मिलेंगे। और मार्च का मैंने आपको बता दिया कि वो जो है अपना GTA ट्रायलॉजी उसमें आपको मिलने वाला, ठीक है। अब साथ ही साथ बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आगे के टाइम की, तो जुलाई से लेकर के यहाँ पे सितंबर के बीच में
NFS मोबाइल जो है, जो कि Tencent गेम्स की तरफ से वो चाइना के अंदर चल रहा है, और इसी के साथ साथ जो एक Forza Horizon का भी एक निकल करके आया हुआ है बीटा वर्जन, हालांकि वो ऑफिशियल गेम नहीं है, Forza Horizon 4 है उसका नाम, और वो मोबाइल के लिए बनाया गया है, ठीक है, लेकिन वो कोई ऑफिशियल डेवलपर्स की तरफ से नहीं है, तो वो गेम का भी यहाँ पर जो है अभी सिनेरियो बन रहा है आने का अपने इंग्लिश वर्जन के अंदर, तो वो गेम भी आपको सेकेंड हाफ 2023 के अंदर जो है वो देखने के लिए मिलेगा, जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको Assassin's Creed Codename Jed जो है उसका पहला बीटा वर्जन देखने के लिए मिलेगा Ubisoft की तरफ से, और इसी के साथ साथ आपको Division Mobile का भी बीटा वर्जन मिलेगा, और Rainbow Six Mobile का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो फर्स्ट हाफ में आने वाला है, तो उसका तो किस्सा ही यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक। साथ में आपको मिलेगा यहाँ पे Carex Street का भी एक और एक नया बीटा वर्जन, और ग्लोबल वर्जन के अंदर भी वो रिलीज़ किया जा सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो दूसरा गेम है Real Racing Next, जो कि इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स की तरफ से, हालांकि ये गेम जो है ना दोस्तों देखो एक तरीके से उन लोगों ने अभी साइड में कर रखा है, क्योंकि अभी आपको पता था कि 2022 के अंदर Apex Legends मोबाइल उन लोगों ने रिलीज़ किया, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है आज की तारीख में भी, और साथ ही साथ यहाँ पे जिनका जो दूसरा गेम है Battlefield Mobile उसका भी ग्लोबल वर्जन अभी आना बाकी है, तो वो अभी उन्होंने कन्फर्म किया हुआ नहीं है, तो ये दो गेम्स में से कोई गेम्स उस टाइम के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स की तरफ से, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन लोग ईयर के एंड में, यानी कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में जितने भी गेम्स मैंने आप लोग को बताए यहाँ पे, उन सभी को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा Valorant मोबाइल का ग्लोबल वर्जन, उसके सिर्फ 50% चांसेस है, हालांकि मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। और Division मोबाइल का भी ग्लोबल वर्जन मिल सकता है, NFS मोबाइल है, Real Racing Next है, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स का जो मैंने आपको बताया अभी, उसके बाद में Battlefield Mobile, हालांकि ये गेम जो है दोस्तों पहले भी आ सकता है ग्लोबल वर्जन के अंदर, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस इसके ईयर के एंड तक के अभी के हिसाब से है यहाँ पे। और दूसरी तरफ जो बाकी के साइड बाय साइड जो गेम्स अभी डेवलपमेंट के अंदर चल रहे, जैसे कि रॉक कंपनी मोबाइल हो गया, वॉरफ्रेम मोबाइल हो गया, और दूसरे भी जो गेम्स है उनके भी ग्लोबल वर्जन आपको उसी टाइम के ऊपर देखने के लिए मोस्ट ऑफ द चांसेस है उनके मिलने के, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको क्लियर ये पता चल गया कि कौन कौन से टाइम के ऊपर आपको मोबाइल डिवाइसेस के लिए कौन कौन से गेम्स मिलने वाले 2023 के अंदर, तो आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरे के पूरे मंथ्स के हिसाब से लेकर के यहाँ पे बता दिए उनके रिलीज डेट। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में कि अभी ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया ये आज की तारीख के हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन है, आज जो है डेवलपर्स की तरफ से ये चांसेस बने हुए इन सभी गेम्स को रिलीज करने के, हो सकता है कि आगे जा करके कुछ 2-3 महीनों के बाद में इसके अंदर कुछ चेंजेस भी हो जाए, चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि यार कोई भी जो न्यूज़ है वो उसके अंदर चेंजेस तो होते ही है, गेमिंग के अंदर तो यार बहुत ही ज़्यादा चेंजेस होते हैं, क्योंकि डेवलपर्स कभी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ बोलते हैं, डिले यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो गेम्स को वो लोग करते हैं, तो इसी वजह से आगे फ्यूचर के अंदर ये जो प्रोग्राम पूरा के पूरा है 2023 का गेमिंग का, तो ये चेंज भी हो सकता है, अब देखने वाली बात रहेगी आने वाले टाइम के अंदर कि चेंज होता है या फिर नहीं होता, लेकिन मोस्टली तो नहीं होगा मैं आपको क्लियर बता दूं, क्योंकि 2023 के अंदर मोस्टली गेम्स यहाँ पर रिलीज किए जाने वाले मोबाइल डिवाइसेस के अंदर, तो इसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बता दो दोस्तों आप लोग को मैं टेक टू इंटरेक्टिव की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल करके आई है उसके बारे में, तो आप लोग को यहाँ पे क्लियर स्क्रीनशॉट दिख रहा है कि टेक टू इंटरेक्टिव ने उनका जो नया अर्निंग्स कॉल इवेंट है उसको फाइनली डिक्लेयर कर दिया है, और ये 8 फरवरी 2023 को होने वाला है, आप लोग क्लियर स्क्रीनशॉट के अंदर देख सकते हो, ठीक है। तो इसी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है दोस्तों अनाउंसमेंट होने वाला है Rockstar Games के अपकमिंग गेम्स को लेकर के, GTA के गेम्स को लेकर के, और भी तरह तरह के जितने भी इनके प्रोग्राम्स वगैरह है जो भी है इनका ईयर का अर्निंग्स क्वार्टरली को लेकर के, वो सारा के सारा इसके अंदर जो है वो अनाउंस्ड होने वाला है। और सबसे मेन बात है GTA ट्रायलॉजी मोबाइल की, तो उसका मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये टेक टू की इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट है, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर क्लियरली बता दिया। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे आपके फेवरेट गेम्स की, जो कि है सबसे पहला GTA 4 का मोबाइल एडिशन कब आएगा मोबाइल डिवाइसेस के अंदर, तो मैं आपको क्लियर बता दूं यहाँ पे कि वो आएगा सीधा सीधा 2027 में या तो फिर उसके बाद में, उससे पहले वो रिलीज़ होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, 2027 में बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्लियर सुनो, 2027 में या फिर उसके बाद में, उससे पहले भूल जाओ इसके मोबाइल एडिशन को, ओके। दूसरा जो गेम है आपका फेवरेट वो है गैंगस्टर न्यूयॉर्क मोबाइल, जो कि गेम लॉफ्ट की तरफ से आने वाला है, और वो गेम आपको मोस्टली यानी 99.99% आप लोग समझ लो कि वो आएगा 2024 या फिर 25 के अंदर, क्योंकि Asphalt 10 Legends जो है
उसके सबसे ज़्यादा चांसेस यहाँ पे बने हुए अनाउंसमेंट होने के और बीटा वर्जन्स के अंदर आने के लिए। मैंने आप लोगों को ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन अभी बताया कि कौन से टाइम पे कौन से गेम्स आने वाले, तो उसमें एस्पर 10 लीजेंड्स के बारे में इस वजह से नहीं बताया क्योंकि वो गेम अभी तक के अनाउंसमेंट हुआ हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से उसका नाम मैंने उस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं किया हुआ, और उसको अनाउंस हो जाने दो, उसके बाद ही पता चलेगा कि भाई वो गेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे आपको एक क्लियर बात समझ में आ गई कि गैंगस्टर न्यूयॉर्क इसी की वजह से मोस्टली चांसेस है उसके डिले होने के 2024 या फिर 25 के अंदर। ओके, अब जो लास्ट गेम है वो तो यार सबका मतलब अपने जो सब्सक्राइबर्स है उनका तो फेवरेट है ही, तो वो है GTA Trilogy Mobile। और ये गेम दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे 8 फरवरी 2023 को ऑफिशियली अनाउंस्ड हो जाएगा इसके इवेंट के अंदर टेक टू के, और उसके बाद में आपको मार्च 2023 के अंदर कौन सी भी एक तारीख जो भी आपको फरवरी के अंदर मिलेगी उसके ऊपर वो गेम प्ले स्टोर के ऊपर ऑफिशियली पेड वर्जन के अंदर देखने के लिए मिल जाने वाला, ठीक है। तो दोस्तों ये था अपना आज का गेमिंग न्यूज़ #43। यार बहुत ही ज़्यादा कमाल का आपको तो वीडियो लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट्स कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। चलिए आज मैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, एंड टेक बाय फ्रेंड्स।